हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 4 में कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। लैग्रांजे मेथड, चारपीट मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियो लेक्चर्स में। और उसके बाद हमारा आता है कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में कभी कभार 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिलेबस में भी है, इसको भी हम सीख लेते हैं कि ये क्या होता है। कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का वर्किंग रूल क्या है, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा मैंने PDE। तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, किस तरह की, इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, a इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू कोई फंक्शन हो एक्स वाई का और साथ में कोई कॉन्स्टेंट k इंटू यू हो, और कुछ कंडीशन भी इसमें साथ में दी जा सकती है, जैसे कि यू ऑफ 0y इक्वल टू एच वाई, ये कंडीशन कोई साथ में दी होगी। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर हेयर a, b एंड ये जो f फंक्शन है डिपेंड ऑन xy, ये xy और u पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। डेरिवेटिव पर नहीं करेंगे, इसको भी मैं लिख देता हूँ, बट नॉट ऑन द डेरिवेटिव ऑफ यू। यू के डेरिवेटिव पर ये डिपेंड नहीं करेंगे, एक्स वाई और यू पर डिपेंड करेंगे ए बी, बी बी और एफ फंक्शन भी हमारा। अब इस फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। चलिए, कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, हमने मान लिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यू एक्स वाई है ना। लेट यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन, यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन कह देता हूँ, इक्वेशन वन, ठीक है। अगर यू एक्स वाई हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है ये हमारा यू, और ये इसका इक्वेशन वन का सॉल्यूशन हो, तब हम इसमें भी टोटल डेरिवेटिव या चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो डी यू की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये टोटल डेरिवेटिव की कंडीशन होती है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा इसको, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी यू, ठीक है। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वन और टू की दोनों की कंपेयर कर लेते हैं, है ना। फ्रॉम वन एंड टू अगर इक्वेशन वन और टू की कंपेयर करते हैं, तो डी एक्स इक्वेशन टू से मिला डेल यू अपॉन डेल एक्स का कोफिशिएंट, और इक्वेशन वन से ए है इक्वल टू डी वाई इक्वेशन टू से मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई का कोफिशिएंट, बी हो जाएगा इक्वेशन वन से, और ये हमारा हो जाएगा डी यू इक्वेशन टू से, और एफ एक्स वाई प्लस के यू ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन वन से। इसको हम यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ उसको, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तीन फ्रैक्शन हमारे पास मिल गए हमें, नंबर वन फ्रैक्शन इसको मैं बोल देता हूँ, इसको दूसरा फ्रैक्शन बोल देता हूँ, है ना, और इसको मैं तीसरा फ्रैक्शन बोल देता हूँ। ये तीन फ्रैक्शन हमारे पास है, तीनों फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना होता है। किस तरीके से होता है कि ये जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन लेते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो इससे आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन ए इक्वल टू डी वाई अपॉन बी,
इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं ना, इसको वेरिएबल अगर सेपरेट करें तो b इंटू डी एक्स और माइनस a इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो आएगा। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे यहीं पर हम, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा ये बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ c, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 कह देता हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 4 हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने दो फ्रैक्शन लिए और सिंप्लीफाई करके हमने इसको बी एक्स माइनस ए वाई को सी के इक्वल माना, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे और उसमें ये इक्वेशन 4 यूज हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका थर्ड फ्रैक्शन है उसमें एक्स भी है, वाई भी है और यू भी है, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होगा वो डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट फ्रैक्शन लोगे या सेकंड फ्रैक्शन लोगे। अगर आपने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लिया है तो वाई एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर आपने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लिया है तो आपको एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को ले लेता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। यदि आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेते हो तो dx अपॉन a इक्वल टू du अपॉन f ऑफ x y और प्लस k इंटू यू आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन x और u के रेस्पेक्ट में हो सकता है खाली, तो y को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 4 का यूज होता है, तो y की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, dx अपॉन a इज इक्वल टू du अपॉन f ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू अगर निकालते हैं इक्वेशन नंबर 4 से तो बी एक्स माइनस सी अपॉन ए, ये हमारी जो है वाई की वैल्यू हो जाएगी, प्लस के यू लिख देता हूँ साइड में फ्रॉम इक्वेशन 4। तो अब ये यू और एक्स में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यू में, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस के अपॉन ए u इक्वल टू वन अपॉन a और फंक्शन ऑफ x इंटू बी एक्स माइनस सी अपॉन ए। सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर इसको मैं डाल देता हूँ 5। ये हमारी देखा जाए तो u में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके जो इसका कम्प्लीट सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म का आएगा, सॉल्यूशन ऑफ 5 इज, लेट कर लेता हूँ इसको लेट, सॉल्यूशन ऑफ 5 इज, इसका सॉल्यूशन हमारा कुछ इस फॉर्म का है कि u इक्वल टू एक g फंक्शन x और c का, और एक नया कॉन्स्टेंट c1 इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो c1 है, इस c1 कॉन्स्टेंट को भी हम ऊपर सी का फंक्शन मान लेते हैं, सी का फंक्शन जो हमने सी ऊपर निकाला था इक्वेशन नंबर 4 में, सी की वैल्यू थी बी एक्स माइनस ए वाई, है ना। तो ये हमारा जो है सी वन हमने कॉन्स्टेंट जो लिया है इसको हम सी का कॉन्स्टेंट का फंक्शन मानेंगे। तो इक्वेशन नंबर इसको अगर 6 कहें तो इक्वेशन 6 रिड्यूस हो जाएगी, यू इक्वल टू जी ऑफ एक्स सी और प्लस जी ऑफ सी, ठीक है। और लास्ट में चाहे तो हम सी की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 से जो भी वैल्यू आएगी यहीं पे लिख देता हूँ, वेयर वेयर सी इक्वल टू, सी की वैल्यू है इक्वेशन 4 में बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, यह वैल्यू को रख के दिखा भी सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाता है, और जो हमें कंडीशन दी होती है लास्ट में उसको यूज करना होता है। ये इसका वर्किंग रूल है, ये मैंने आपको जो बताया वर्किंग रूल है, अभी मैं एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल 1 मैंने लिया, कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से सॉल्व करेंगे इसको हम, यूज़ कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट में लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक को, टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर जो हमें कंडीशन गिवन है वो है यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हमें गिवन है।
तो कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने ऊपर बताया उसको यूज करते हुए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, जैसे कि ऊपर मैंने वर्किंग रूल में बताया आपको, है ना। तो हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन डाल देता हूँ। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो होगी हमारी डी एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स का कोफिशियंट जो कि वन है, डी वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई का कोफिशियंट जो कि वन है, और डी यू अपॉन इक्वल में जो फंक्शन है हमारा एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर टू डाल दूंगा। अब फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन को ले लेते हैं, है ना। पहले टेकिंग फर्स्ट इसको फर्स्ट फ्रैक्शन कहता हूँ, उसको सेकंड और इसको थर्ड। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को पहले लेते हैं तो डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन वन, इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू जीरो। और हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करने पर हमें जो यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट c, जिसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमें x माइनस वाई की वैल्यू c मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम फर्स्ट फ्रैक्शन को ले और थर्ड को ले, या हम सेकंड और थर्ड को ले। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को लेते हो तो इक्वेशन थ्री का यूज करते हुए हमें उसमें से y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड और थर्ड को लेते हो तो इक्वेशन थ्री का यूज करते हुए एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेकंड और थर्ड को। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, यदि हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर लेते हैं तो डी वाई अपॉन वन इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें चूंकि y और u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री से। तो डी वाई अपॉन वन इक्वल टू डी यू अपॉन, फ्रॉम थ्री से यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी हमारी y प्लस सी। तो एक y यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये टू वाई प्लस सी हो जाएगा। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। वेरिएबल को सेपरेट अगर हम यहाँ पर करते हैं तो एक साइड में तो हमारा डी यू आ जाएगा और इधर हमारा होगा टू वाई प्लस सी इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी यू का इंटीग्रेशन करने पर यू फंक्शन हमारा बन जाएगा यू एक्स वाई, जिसको हम कहेंगे। टू वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो टू इंटू वाई स्क्वायर अपॉन टू होगा, तो टू से टू कटेगा वाई स्क्वायर हमारा बचेगा। प्लस सी हमारा कांस्टेंट ऑलरेडी है, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई हो जाएगा। और प्लस एक कांस्टेंट हमें इन्वॉल्व कराना है जिसको मैं सी वन कह देता हूँ, ठीक है। और जैसे कि वर्किंग रूल में मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो सी वन हमारा है इसको हम सी का फंक्शन मानेंगे, ठीक है। देन तो ये जो इक्वेशन नंबर हमारी बनी है फोर, इसमें वैल्यू यूज कर देता हूँ। तो इससे हमें यू ऑफ एक्स वाई मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस जी ऑफ सी। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम सी वन मानते हैं इसको सी का ही फंक्शन मानेंगे। सी क्या है, जो कि हमने इक्वेशन थ्री में फाइंड किया है, सी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई। तो सी की वैल्यू भी यहाँ पर रख देते हैं एक्स माइनस वाई। यदि आप सी की वैल्यू एक्स माइनस वाई रखते हैं यहाँ पर तो इससे आपको मिलता है यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई और इंटू वाई और प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई। और यदि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया जाए तो यहाँ पर हमें मिलेगा यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स वाई की फॉर्म में, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फाइव कह देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, लेकिन हमें यहाँ पर कंडीशन भी दी है ना। यहाँ पर हमें कंडीशन भी दी है और उस कंडीशन को यूज करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। यहाँ पर ये जो जी है ये हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वेयर
जी इज आर्बिटरी फंक्शन। अब कंडीशन देख लेते हैं क्या गिवन है हमें। कंडीशन गिवन है हमें यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि हमें वाई को जीरो रखना है और पूरी इक्वेशन में यू एक्स जीरो की वैल्यू को जीरो पुट करना है ना। तो यू ऑफ वाई को जीरो रखने पर ये हमें मिलेगा जीरो प्लस जी ऑफ एक्स, है ना। और चूंकि इसकी वैल्यू जीरो है तो ये जीरो इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। और यदि जी एक्स की वैल्यू जीरो है तो फिर तो आप ये कह लीजिए, देयरफोर करके लिख देता हूँ उसको मैं, अगर जी एक्स जीरो है तो एक्स की जगह पर एक्स माइनस वाई भी अगर मैं लिख देता हूँ तो उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। यानी कि जी एक्स वाई की वैल्यू जीरो है, इसको इक्वेशन सिक्स डालेंगे। इसको मैं इक्वेशन फाइव में रख देता हूँ, है ना, यूजिंग सिक्स इन फाइव। जब सिक्स को हम फाइव में यूज करेंगे तो यू ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी एक्स वाई की इक्वल, क्योंकि जी ऑफ एक्स माइनस वाई को हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। और ये जो हमारा आया है यही हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा कंडीशन को अप्लाई करने पर बाय द कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए इक्वेशन और देख लेते हैं कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। एग्जांपल टू, यूज द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है फर्स्ट ऑर्डर की, और वो हमें गिवन है यू एक्स माइनस वाई ऑफ यू इक्वल टू जीरो। कंडीशन भी गिवन है यू ऑफ जीरो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर वन दी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमें यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई यू, है ना। तो प्लस ये वन इंटू हो जाएगा, ये जीरो इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा और इक्वल टू वाई इंटू यू होगा, है ना। और वेयर यू जीरो वाई की वैल्यू आपको गिवन है वन के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन डाल देता हूँ। अब यहाँ पर बनाते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स का कोफिशियंट, डी वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई का कोफिशियंट और डी यू अपॉन जो इक्वल में है वो फंक्शन हम लिख देंगे। इसको इक्वेशन टू डाल देंगे। अब इसमें भी हम सेम तरीके से पहले दो फ्रैक्शन को ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन को लेते हैं तो डी एक्स अपॉन वन होगा और डी वाई अपॉन जीरो होगा। और चूंकि डी वाई अपॉन जीरो को अगर देखें तो ये टोटल टर्म आपकी इन्फिनिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या बनती है, हमें यहाँ पर डी वाई को भी जीरो लेना पड़ेगा, नहीं तो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो डी वाई को जीरो अगर ले लिया तो इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन करने पर वाई की वैल्यू आएगी एक कॉन्स्टेंट के इक्वल, वाई इक्वल टू सी आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर थ्री डाल देंगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है जिसको हम सी का नाम देंगे, कॉन्स्टेंट सी। अब हम सेम तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। अगर आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर लेते हैं तो डी एक्स अपॉन वन इक्वल टू डी यू अपॉन वाई इंटू यू होगा। इंटीग्रेशन एक्स और यू के रेस्पेक्ट में है तो वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वाई को एलिमिनेट करते हैं इक्वेशन थ्री को यूज करके, तो इक्वेशन थ्री से अगर यूज करें वाई की वैल्यू सी हो जाएगी, तो ये डी यू अपॉन सी यू हमें मिलेगा, है ना। लिख देंगे साइड में फॉर्म थ्री, ठीक है। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, डी यू अपॉन यू वेरिएबल सेपरेट होके लेफ्ट में आ जाएगा और ये सी इंटू डी एक्स राइट में होगा ऑन इंटीग्रेटिंग। और अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन लॉग यू लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा और सी इंटू एक्स राइट में, और एक कॉन्स्टेंट हमें सी वन यहाँ पर इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा लॉग यू
इक्वल टू सी एक्स और प्लस सी वन को मैंने बताया था कि हमें यहाँ पर इसको सी का ही फंक्शन मानना होता है, जी ऑफ सी कह देते हैं, वेयर सी वन इक्वल टू जी ऑफ सी, ये हमें लेना होता है कोची मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक में। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन मिलता है। अब यहाँ पर हम सी की वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू की अगर बात करें तो सी की वैल्यू हमारी वाई है इक्वेशन थ्री से। दिस इम्प्लाइज लॉग यू इज इक्वल टू, सी की वैल्यू वाई है तो एक्स वाई प्लस जी ऑफ वाई हमें मिलेगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फोर या फाइव जो भी बनेगा हमारा, फोर इक्वेशन बनेगी तो उसको फोर इक्वेशन डाल देता हूँ मैं। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कंडीशन भी दी है, वो भी यूज करनी पड़ेगी। यू ऑफ जीरो वाई की वैल्यू वन दी है, यानी कि एक्स को जीरो रखना है, वाई को वाई रखेंगे और इसकी वैल्यू वन यूज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, लॉग ऑफ इसका मतलब है यू ऑफ एक्स वाई, यू फंक्शन है ना, तो यू फंक्शन को हम यू ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स वाई प्लस जी ऑफ वाई, वाई को वाई रखेंगे एक्स को जीरो, तो ये मिलेगा आपको लॉग ऑफ यू एक्स को जीरो और वाई की वैल्यू वाई ही रहेगी, तो ये हमें जीरो मिलेगा और ये जी वाई हो जाएगा। और चूंकि इसकी वैल्यू वन है तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग वन इक्वल टू जीरो प्लस जी वाई, तो यहाँ से आपको जो जी वाई की वैल्यू है, लॉग वन भी जीरो होता है तो जी वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी। अगर जी वाई की वैल्यू जीरो है तो इक्वेशन फोर में इसको यूज कर देंगे, यूजिंग इन फोर, फोर में यूज करने पर लॉग यू की जो वैल्यू है वो हमें एक्स वाई मिलेगी, तो यहाँ से हमें यू फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी ई टू दी पावर एक्स वाई, एंड यही हमारा इसमें फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा बाय द कोची मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक से। तो ये होता है हमारा कोची मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इसमें हम बिल्कुल सेम रूल हल क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सी की फॉर्म में एक सॉल्यूशन होता है, लास्ट में हम कॉन्स्टेंट सी वन को सी का ही फंक्शन मानते हैं, जी ऑफ सी जिसको हम कहते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दो क्वेश्चन मैंने कराए, दो तीन क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो आपको ये मेथड आराम से आ जाएगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, अभी तक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है लैग्रांजे मेथड से, चारपिट मेथड से, कोची मेथड से। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा जिसमें हम सेकंड और हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। पहले आएगा उसमें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और दूसरी होगी इसमें नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। ये दो टॉपिक हमारे सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा, जिसके लिए हमें सी एफ और पी आई, जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी निकालना सीखा होगा सी एफ पी आई, ठीक है, उसी को बेस मानते हुए यहाँ पर सी एफ पी आई के रूल से ही हमें उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।